जडेजा ने खेला ऐसा रॉकेट शॉट, हेलीकॉप्टर लगाने वाले धोनी भी कहते रह गए भाग जग्गू भाग। कप्तान MS धोनी और रायडू की शानदार अर्धशतकीय पारी की बदौलत चेन्नई ने गुरुवार को जीत का छक्का लगाया। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में चेन्नई ने राजस्थान को 4 विकेट से हराया। इस जीत के साथ ही धोनी के बतौर कप्तान इंडियन T20 लीग में 100वीं जीत दर्ज की है। दोनों टीमों के बीच खेला गया यह मुकाबला रोमांच के साथ साथ कुछ दिलचस्प चीजों के लिए भी हमेशा याद रखा जाएगा। खास तौर पर बैन के आखिरी ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा का लगाया गया छक्का तो शायद ही फैंस कभी भूल पाएंगे। सोशल मीडिया पर इस छक्के का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। दरअसल स्टॉक्स की बाहर जाती गेंद, जडेजा ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से लंबा छक्का लगाया। यह छक्का लगाते वक्त जडेजा अपने शरीर पर संतुलन नहीं रख पाए और जमीन पर ढेर हो गए। जडेजा के इस रॉकेट शॉट की तेजी देखकर स्टॉक्स भी दंग रह गए और खुद को बचाने के चक्कर में वह भी पिच पर लंबा लेट हो गए। स्टॉक ने मैदान लेट लेट ही इस छक्के का नजारा देखा। यह शॉट बाउंड्री पार इतना दूर जाएगा इसका अंदाजा धोनी को भी ना था और वह जडेजा को रन भागने के लिए ही कहते रह गए। IPL 2019 में कौन सी टीम जीतेगी, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।